आज हम तीसरी इकाई के तीसरा पाठ सकुबाई इस पर थोड़ा सा विचार करें। सकुबाई प्रसिद्ध कलाकार नादरा जहीर बब्बर की एकपात्रीय नाटक है। इस नाटक का एक पात्र सकुबाई है, इसलिए इस नाटक का नाम ही सकुबाई रखा दिया। यह नाटक शहरी जीवन के व्यस्तता और तनावपूर्ण जीवन से संबंधित है। सकुबाई एक मेहनतकश महिला है, उसके आत्मालाभ द्वारा जिस घर में वो मेहनत करती है उस घर के तनावपूर्ण जीवन की और अपने परिवार के संबंध में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। दो परिवार का जीवन संबंधी बातें हमें सकुबाई के आत्मालाभ से मिलता है। सकुबाई एक मेम साहब के यहां काम करती है। वो मेम साहब एक शहर में फ्लैट में रहती है, मध्यवर्गीय परिवार है वो। शहर में रहने वाले, फ्लैट में रहने वाले मध्यवर्गीय परिवार के लोगों के जीवन की व्यस्तताएं, मानसिक तनाव आदि का चित्रण यहां हमें मिलते हैं। सकुबाई उस घर का नौकरानी है, घर की नौकरानी है। रोज वो उस घर में आती है, शाम होते होते लौट जाती है। यह तो सकुबाई का जीवन क्रम है। जिस घर में सकुबाई सेवा करती है उस घर में कुल चार सदस्य हैं। एक तो किशोर कपूर वहां का साहब, उनकी पत्नी पूजा कपूर और उनकी दो संतानें, एक बेटी पोमला, दूसरा है बेटा रोकी। ये छोटा परिवार है लेकिन वहां का सारा काम सकुबाई को ही करना पड़ता है। यहां के लोग माने किशोर कपूर और पूजा कपूर बड़ी व्यस्तता का जीवन बिताते हैं। वे सब कुछ घर में छोड़कर माने जूठे बर्तन और कपड़े सब कुछ बिस्तर पर और टेबल पर कुर्सी पर छोड़कर वे चले जाते हैं। वे कोई भी सामान करीने से रखना नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते ऐसा कहने का उद्देश्य है। सकुबाई वहां की नौकरानी है, सकुबाई को वेतन देकर रखे हैं, इसलिए ये सब काम सकुबाई से भी करवाना है, यही तो उनका लक्ष्य है, इसलिए सब कुछ उनके लिए छोड़कर चले जाते हैं। यहां तक कि रेडियो भी ऑन करके ही वे चले जाते हैं। सकुबाई घर में आने के बाद ही वो रेडियो को ऑफ करती है। इस प्रकार वहां के सारे काम सकुबाई पर सौंप कर वे अपने अपने काम पर चले जाते हैं। ये तो एक नगर जीवन की विशेषता है, शहरीकरण की एक विशेषता है। मध्यवर्गीय व्यस्त जीवन बिताने वाले एक परिवार की रीति है। सकुबाई की का अपना परिवार है। सकुबाई जब छोटी थी तब
बंबई से बहुत दूर एक गांव में रहती थी। उसके परिवार में उसकी माता है, पिता है, उसकी माता का नाम लक्ष्मी है। वो तो तन तोड़ मेहनत करने वाली एक महिला है। उनके पिता तो उनके हाथे टेठे हैं, फिर भी वे कठिन काम करते अपने परिवार को पालने के श्रम में है। जब सकुबाई 7 साल की थी, तब से वह खरों में जाकर इस प्रकार हमारे पूजा कपूर जैसे साहब के हम काम करने लगे हैं। उसके पहले जब वो अपने गांव के खर में थी, तब भी वो पिताजी के साथ खेतों में जाकर काम करती थी। उसके पटने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन पट नहीं सकती थी। एक बार उसने पटने की इच्छा प्रकट की अपनी माँ से, लेकिन माँ ने कहा तुम्हें स्कूल जाना है, ऐसा पूछकर उनके गाल पर 2 थापड़ दिए। उसके बाद उसे ये इच्छा, स्कूल जाने की इच्छा प्रकट करने का धैर्य नहीं होता था। उसकी एक छोटी बहन है वासंती, वो भी घर का काम संभालती है, और उसका छोटा भाई है नितिन, उन्हें स्कूल में पढ़ाता था। यहां भी लड़के और लड़की में एक भेदभाव हम देख सकते हैं। वासंती और सगु को कोई पढ़ाती नहीं, लेकिन नितिन को पढ़ाते थे। तो सकुबाई का वास्तविक नाम शकुंतला है। घर में सब लोग उन्हें सकु सकु कहकर पुकारते हैं। तो यहां हमारे मैं साहब के यहां माने मुंबई के सगरों के घर में काम करने आते वक्त वहां के लोग उन्हें सकुबाई कहकर पुकारते हैं। वास्तविक नाम शकुंतला है। घर में जब वो छोटी थी तब घर वाले उन्हें सकु कहकर पुकारते थे। शहर के घरों में, मुंबई के बड़े घर शहर में घरों में काम करने आने के बाद वहां के लोगों ने सकुबाई कहकर पुकारते थे। माम